ओके okay, स्टूडेंट्स तो आज हम करेंगे चैप्टर सिक्स बैकग्राउंड एंड एनिमेशंस हम बैकग्राउंड और एनिमेशंस पे कैसे काम करते हैं ये किया था हमने इस चैप्टर में और आज हम इसकी वर्कशीट टू करेंगे दैट इज ट्रू और फॉल्स हमें स्टेटमेंट गिवन है और हमें बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है मैं साथ के साथ पूरी वर्कशीट लिखते जा रही हूँ एक्सप्लेन करते जा रही हूँ और लास्ट में भी हम एक बार रिवाइज़ कर लेंगे ताकि हमें सब कुछ अच्छे से समझ आ जाए और हमारे माइंड में सेट हो जाए तो फर्स्ट देखो यू कैन नॉट सेट अ बैकग्राउंड फॉर अ सिंगल स्लाइड आप एक सिंगल स्लाइड के लिए बैकग्राउंड नहीं लगा सकते ऐसा ये बोल रहा है देखो मैंने आपको बताया था कि अगर हम हर एक स्लाइड का बैकग्राउंड जो है चेंज कर सकते हैं अलग अलग लगा सकते हैं एडिट कर सकते हैं फोटोज़ को यूज़ कर सकते हैं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फॉल्स हम चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड हर एक स्लाइड का बैकग्राउंड हम अलग अलग लगा सकते हैं तो आंसर इज फॉल्स अब सेकेंड वाला देखो यू कैन अप्लाई अ थीम टू गिव अ कंसिस्टेंट लुक टू योर प्रेजेंटेशन हम थीम लगा सकते हैं हमारी प्रेजेंटेशन में ताकि एक कंसिस्टेंसी बने कि हाँ मतलब ये पूरी प्रेजेंटेशन जो है आपस में जुड़ी हुई है ठीक है तो हम एक प्रेजेंटेशन में एक ही थीम लगाते हैं ओके बैकग्राउंड हम अलग अलग लगा सकते हैं लेकिन पूरी प्रेजेंटेशन में थीम एक ही रहती है तो अगर हमने थीम चूज करी तो इट मीन्स हमारी सारी स्लाइड्स पर वो थीम आ जाएगी और हमारी एक जैसी सी लगेगी सारी स्लाइड्स कहीं ना कहीं तो एक कंसिस्टेंसी आ जाएगी तो दिस इज ट्रू थर्ड देखो अ स्लाइड ट्रांजिशन इंट्रोड्यूसेस अ स्लाइड विद द चूजन स्पेशल इफेक्ट जो स्लाइड ट्रांजिशन है उससे होता क्या है कि जो हमारी स्लाइड आती है उस पर हमने कोई स्पेशल इफ़ेक्ट लगाया होता है ठीक है तो वो उस तरीके से आती है इंट्रोड्यूस होती है हमारी प्रेजेंटेशन में तो क्या ये स्लाइड ट्रांजिशन है सो दिस इज स्लाइड ट्रांजिशन तो आंसर क्या आ जाएगा ट्रू अ स्लाइड ट्रांजिशन इंट्रोड्यूस अ स्लाइड विद द चूजन स्पेशल इफेक्ट अब और देखो यू कैन नॉट वेरी द स्पीड ऑफ द ट्रांजिशन हम स्पीड ऑफ द ट्रांजिशन को वेरी नहीं कर सकते ऐसा इसमें लिखा है लेकिन जब हमने ट्रांजेक्शन्स वाला पढ़ा था तो हमने उसके अंदर ट्रांजिशन की स्पीड का भी ऑप्शन देखा था इट मीन्स हम उसकी स्पीड को वेरी कर सकते हैं तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा फॉल्स आफिफ देखो यू कैन एडवांस अ स्लाइड इधर बाय अ माउस क्लिक और ऑटोमेटिकली आफ्टर अ पॉज एडवांस अ स्लाइड मतलब नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करना एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर मूव करना तो क्या हम ये माउस से भी कर सकते हैं और उसमें टाइमर भी लगा सकते हैं सो दिस इज़ ट्रू कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं हम माउस क्लिक पर भी रख सकते हैं चीज़ों को और हम उसमें टाइमर भी सेट कर सकते हैं So this is true. सिक्सथ वाला देखो एनिमेशन ऑफ अ टेक्सट ऑन अ स्लाइड इज नॉट पॉसिबल कोई भी स्लाइड पे अगर हम टेक्स्ट लिखते हैं तो उस हम एनिमेशन नहीं लगा सकते ऐसा स्टेटमेंट में बोला है विच इज़ वेरी मच रॉन्ग क्योंकि हमने देखा था कि हम अगर किसी भी पिक्चर या टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं उसके बाद हम उस पर एनिमेशन लगा सकते हैं तो दिस इज फॉल्स जल्दी से लिख के कंप्लीट कीजिए फिर हम इसे जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं देखो फर्स्ट वन यू कैन नॉट सेट अ बैकग्राउंड फॉर अ सिंगल स्लाइड हम सिंगल स्लाइड के लिए बैकग्राउंड नहीं लगा सकते बट दिस इज़ फॉल्स क्योंकि हम लगा सकते हैं बैकग्राउंड सेकेंड देखो यू कैन अप्लाई अ थीम टू गिव अ कंसिस्टेंट लुक टू योर प्रेजेंटेशन अगर आप चाहते हैं एक प्रेजेंटेशन को कंसिस्टेंट लुक मिले तो आप थीम लगाएं दैट इज़ ट्रू स्लाइड ट्रांजिशन होता है कि हमारी जो न्यू स्लाइड है वो कैसे इंट्रोड्यूस हो रही है वो स्पेशल इफेक्ट से ठीक है सो दिस इज़ ट्रू फोर्थ यू कैन नॉट वेरी द स्पीड ऑफ ट्रांजिशन इज फॉल्स वी कैन डू दैट फिफ्थ यू कैन एडवांस अ स्लाइड इधर बाय अ माउस क्लिक और ऑटोमेटिकली आफ्टर अ पॉज दिस इज ट्रू हम नेक्स्ट स्लाइड पे कैसे मूव कर सकते हैं एक तो माउस के क्लिक से और एक हम उसमें टाइमर सेट करते हैं कि हम माउस से क्लिक ना करें और अपने आप थ्री सेकेंड्स या फाइव सेकेंड्स के बाद वो नेक्स्ट स्लाइड हमें शो हो जाए सो दिस इज़ ट्रू सिक्स एंड द लास्ट इज एनिमेशन ऑफ अ टेक्स्ट ऑन अ स्लाइड इज़ नॉट पॉसिबल एनिमेशन हम टेक्स्ट पे नहीं लगा सकते सो दिस इज़ फॉल्स क्योंकि हम लगा सकते हैं एनिमेशन हमारे टेक्स्ट पे और मैंने बहुत सारे करके भी दिखाया था आपको तो याद होगा हम एनिमेशन टेक्स्ट पे लगाते हैं ठीक है सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वर्कशीट सेकेंड वर्कशीट सब लोग अपनी नोटबुक में कंप्लीट करेंगे सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर द नेक्स्ट वर्कशीट बाय